हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आई हुई है, जिसकी अंतिम तिथि जो है यहाँ पे 3 दिसंबर 2021 है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ने जो है फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अंतिम दिनों के अंदर जो आपकी वेबसाइट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है, जिससे आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हो, आप जो है एग्जाम से वंचित रह जाते हो। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है आपके एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है, कि राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम तिथि है, परीक्षा तिथि है, वो यहाँ पे क्या रह सकती है। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको, जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के बीच में ये कन्फ्यूजन रहने वाली है, क्योंकि उनके पास इतना कम समय है कि किस प्रकार से वो तैयारी करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि इतने दिन है हमारे पास है और हम इस प्रकार से तैयारी करें तो हमारा जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे इस भर्ती में हो जाए। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है थंबनेल के अंदर, राजस्थान पुलिस परीक्षा तिथि क्या है और इस दिन जो है आपकी परीक्षा होने वाली है बताने वाले हैं, और 2 महीने की आपको रणनीति बनाएंगे, जिस प्रकार से आप किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वो सारी जानकारी आपको इसके अंदर हम देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा आपने नोटिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे 3 दिसंबर है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इसके 15 दिन बाद आपको जो है संशोधन करना है आपके जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको पुलिस विभाग ने जो है 15 दिन एक्स्ट्रा भी दिए हैं, यानी कि लगभग फॉर्म अप्लाई में लगभग आपके जो है 18 दिसंबर तक जो है ये प्रक्रिया चलने वाली है फॉर्म वाली, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा, तो दोस्तों बिल्कुल बता देता हूँ, दिसंबर में कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो का जो एग्जाम है ग्राम विकास अधिकारी का, वो भी अभी 28 दिसंबर को होने वाला है, तो ऐसे में जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम इस महीने तो नहीं होगा, दिसंबर में। ओके, और आपका एग्जाम अब जनवरी में होने वाला है, फरवरी में होने वाला है, कब होने वाला है ये आप सभी की कन्फ्यूजन है। ओके, तो इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है यहाँ पे, जैसा कि आप सभी सुन ही रहे होंगे कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो दोस्तों इस बार एग्जाम जो है, जितने भी एग्जाम हुए समय तिथि पर हुए हैं, यानी कि एग्जाम अब इस बार लेट नहीं की गए हैं, एकदम आपके समय तिथि पर हुए हैं, तो आपका इस बार एग्जाम लेट नहीं किया जाएगा। आपको 2 महीने का टाइम मिला है और इसमें ही आपका एग्जाम करवाया जाएगा, यानी कि आप मान सकते हो कि जो आपका एग्जाम है यहाँ पे जनवरी के अंतिम वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जाम है चलने वाला है। ठीक है, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस बार लगभग 20 लाख+ फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो है आप सभी के जो है शिफ्ट वाइज पेपर होने वाले हैं, यानी अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर होने वाले हैं। जैसा कि आपको सभी को सिलेबस पता है कि पूरे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, बाकी आप सभी का जो है यहाँ पे टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपने ये जान लिया है कि आपका जो है किस प्रकार से पेपर होने वाला है, आपका अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, और साथ में जो आपका पेपर होने वाला है वो यहाँ पे जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले वीक में आपका पेपर होने वाला है, और बहुत जल्दी इसकी जो परीक्षा तिथि है वो भी अभी ऑफिशियल आ जाएगी, और आपको हम सबसे पहले अपडेट दे देंगे। तो आप इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यही आप सभी के टॉपिक है। सबसे पहले आप जो अपना फोकस है वो यहाँ पे कंप्यूटर और रीजनिंग में दीजिए, यही आपके जो है सबसे ज्यादा मार्क्स बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 150 में से 60 नंबर सिर्फ इसके ही है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है कंप्यूटर और रीजनिंग के। बस आपको जो है जो अभी तैयारी करें, शुरू में आप इनकी तैयारी करोगे, तो आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि आपका स्कोर कितना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ऐसे में आप सभी जो है सबसे पहले कंप्यूटर और रीजनिंग में अपना जो है अच्छा फोकस दीजिए। उसके बाद आपको महिला बाल अपराध का टॉपिक मिल जाता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और बहुत ही सिंपल है, और उसके लिए अलग से सिलेबस भी डाला गया है पुलिस विभाग की वेबसाइट पर। तो वह आप बस आपको उतना ही पढ़ना है, और बहुत ही कम दिनों के अंदर आप महिला और बाल अपराध के टॉपिक भी कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद जो आपके कला संस्कृति होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, वो आप जो है आशु जी के आप चैनल पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको जो है सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता ही देते हैं, जो हमारे कोर्स चल रहे हैं वो आपको बता देते हैं उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तैयारी कर लो, अब नौकरी दूर नहीं, ग्राम सेवक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है फ्री है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इस प्रकार से टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये 51 रुपए की है ऑनलाइन, और ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आपको 299 रुपए में मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको इमेज वापस से एडिट करके मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और उसी प्रकार से जो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे 6 दिसंबर से यहाँ पे शुरू होगी, और ऑफलाइन वाली जो है 12 दिसंबर से यहाँ पे शुरू होने वाली है। आप जो इसके प्राइस भी देख पा रहे हो, 149 रुपये और 2499 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका ऑफर रखा गया है। ठीक है, और सबसे मेन जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ऑनलाइन वाला जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, और इस प्रकार से जो है जो कोर्स है आपका पूरा उस प्रकार से देख पा रहे हो, पूरे रेट आपको बताया गया। जैसे कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल का जो कोर्स है ओनली 999 रुपये में, यानी कितनी कम कीमत में आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। जो टीचर से जैसे आशु जी भी जो है क्लास लेने वाले हैं, बाकी भी सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास ली जाएगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहा है ऑफर के तहत, तो ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में तो यही जानकारी थी कि आपका जो है एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाएगा, कब होने वाला है, और अभी जो मैंने आपको 2 महीने की
रणनीति बनाइए, किस प्रकार से आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।